अयोध्या पूरी तरह से राम रंग में रंगी हुई है। साधु संत हो, यहाँ के लोकल लोग हो, या फिर देश विदेशों में बैठे हुए प्रभु राम के भक्त, हर कोई अपने अपने तरीके से उत्साह और उल्लास मना रहा है। लेकिन उसके साथ साथ 500 साल और यूं कह लीजिए कि पिछले कई दशकों के आंदोलन और संघर्षों को भी याद किया जा रहा है। बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त मशहूर कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर देवकी नंदन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे याद किया, वो भी अयोध्या में याद किया और वो भी सरयू माँ के तट पे याद किया। आइए हम एक और नया काम करें, हम लोग ये उतार के सरयू माँ के तट पे ऐसे रहने दो, हम ऐसे करते, आप बहने रखो चाहे। हाँ जी, आज्ञा करें आप। सवाल ये है देवकी नंदन जी, आज सिर्फ भावनाओं की बात हो रही है, अब वैसे तो कृष्ण जन्मभूमि की भी बात देश में चल रही है, काशी कॉरिडोर बन गया है, राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन बहुत सारे ऐतराज हैं। कोई कह रहा है आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दी, कोई कह रहा है शास्त्र संगत नहीं हो रहा। क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? मैं एक बात जानता हूँ, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज, वही घड़ी मंगल। भगवान श्री राम को कहते क्या है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान श्री राम मंगल प्रदान करने वाले हैं, अमंगलों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान का आने में हम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये बात उचित है। और हम सबको एक ही काम करना चाहिए, राम आ रहे हैं तो खुशियां मनाएंगे, तो खुशियां मनाओ। आज संतों की क्या भावनाएं हैं, उनकी खुशी का इजहार किस तरह भावनाओं में या शब्दों में किया जा सकता है? राम आएंगे तो बेर नहीं खिलाएंगे, राम आएंगे तो हलुआ खिलाएंगे। लेकिन उन्हें तो शायद रबड़ी पसंद है, दूध से बने हुए। आप खा के आई हैं इसलिए आपको रबड़ी पसंद है। राम आएंगे तो रबड़ी खिलाएंगे, रबड़ी के संग जलेबी खिलाएंगे, मेरे जन्मों के सारे कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे तो ये सब आनंद पूरे। देखिए ना, अभी ये सारे लोग, ये कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इतने लोग ये अपना सब काम धंधा छोड़ के सिर्फ राम के इस ऐतिहासिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए, अपने आप को एक हिस्सा बनाने के लिए आए हैं। तो ये सोचिए सनातनी कितने खुश हैं और क्या चाहते हैं। बहुत से विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, बहुत से लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया लेकिन कहा जाएंगे तब जब भगवान बुलाएंगे। हम ये कह रहे हैं जब मन करे तब जाओ, पर सनातनियों को जाना चाहिए, जो सनातनी है, जो सनातन का हित चाहते हैं, जो सनातनी का भला चाहते हैं, जो सनातन संस्कृति को इस देश को देना चाहते हैं, कभी भी जाओ, राम के पास जरूर जाओ, राम उत्सव में जरूर जाओ। और जो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, मत जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं जाओगे पता नहीं तुम कहां कहां से चले जाओगे। राहुल गांधी ने कहा कि राम का सम्मान है, श्री राम की भक्ति हम भी करते हैं, लेकिन मैं राम को राजनीति में नहीं लाना चाहता, उनपे राजनीति नहीं करना चाहता, इसीलिए जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण है उसमें नहीं गए। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कहा कि राम को राजनीति में नहीं लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे ये बात सही नहीं। आप 50-50 मत करो, 100% करो। मैं वैसे किसी पर्टिकुलर राजनीतिक व्यक्ति पे कोई कमेंट करता नहीं हूं, पर राहुल गांधी क्योंकि देश की बहुत बड़ी छवि है, चेहरा है, नेता है, तो उनको चाहिए कि वो सीधी सीधी कहें कि 100 करोड़ लोगों के राम है, मेरे राम है, मैं हो सकता है 22 को न जाऊं, मैं 23 को चला जाऊं, 24 को चला जाऊं। चुनाव से पहले राहुल गांधी जी को या किसी को भी, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबको राम के चरणों में आना चाहिए। राम तो इस देश की उपलब्धि है, राम तो इस देश का ईश्वर है, और इस देश में अगर आपको पॉलिटिकली स्टैंड करना है, राजनीति करनी है, एमएलए एमपी बनना है और राम को छोड़ दें, राम का अपमान करें, संभव नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान में प्राण नहीं थे, क्या जो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ रही है? मैं उस व्यक्ति के ऊपर बोलना नहीं चाहता, ना वो स्वामी है ना प्रसाद है, कुछ दिन में रुक जाओ, ये अभी चुनाव आने दो, प्रसाद सा बट जाएगा, हमें क्या मतलब पड़ रहा है। राम का विरोध करके कोई तर सकता है, और हमको तो लगता है वो, छोड़िए हम बात नहीं करेंगे उस व्यक्ति की, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि राम विरोध करने पर भगवान ब्रह्मा भी आपको बचा नहीं सकते, कर लो आप विरोध, अच्छा है, जितना विरोध करोगे उतने गड्ढे खोद रहे हो, और जितने गड्ढे खोद रहे हो उतने तुम्हें झेलने पड़ेंगे। रावण कितना बरदानी था, काल को पाटी से बांध रखा था, पानी देने वाला नहीं बचा राम का विरोध करने पर, तो क्या होगा आप देख लीजिए, आ जाइए वेट एंड वॉच,
आने वाले फिर आएंगे, हम लोगों के यहाँ आएंगे सब लोग, जब हम लोगों के आएंगे तब देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का कठिन व्रत लिया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि उसके अंतिम 3 दिन तो ऐसे होंगे कि शायद वो बिस्तर पर लेट भी ना पाए, सो भी ना पाए, तो ये क्यों आवश्यक है और इसको आप समझा पाए कि ये कितना कठिन व्रत है? ये कठिन व्रत बहुत, जैसे हम लोग कहीं भी कथा भी करते हैं तो उस कथा में एक नियम होते, कोई यज्ञ भी करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी एक यज्ञ है, यज्ञ में एक नियम होता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, मनसा वाचा कर्मणा किसी को हट न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, व्रत करें, अन्न इत्यादि ग्रहण न करें। इसके लिए जरूरी है आप आंतरिक अपने आप को शुद्ध बनाए रखते हैं, पवित्र बनाए रखते हैं, और जब आप आंतरिक शुद्ध होते हैं तो आप उस समय परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। हरेक व्रत, जितने व्रत आप करेंगे उतने आप परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे, तो ये वो व्रत है जो आपको परमात्मा के करीब लेके जाता है। राम काज क्या पूरा हुआ और अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी, आंदोलन अभी से जोर पकड़ रहा है और आप तो पक्षकार भी रहे हैं इसमें। जोर पकड़ रहा है, मैं तो जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहां से मीडिया वाले जोर पकड़वा रहे हैं, और मैं सच कह रहा हूँ, राम और कृष्ण को दो नहीं कर सकते हम, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष, बस इतना अंतर है। तो ऐसे भगवान श्री राम कृष्ण को हम अलग नहीं कर सकते। हाँ इतना है कि 22 जनवरी 2024 में भगवान श्री राम अपने स्थान में पधार रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कृपा करें, माँ सरयू कृपा करें कि 2025 में भगवान श्याम सुंदर अपने स्थान में प्रवेश करें, 25 नहीं 26 27। लेकिन वो निर्णय है, निर्णय उसी दिन हो गया था जब भगवान श्री राम का अपना स्थान उन्हें कोर्ट के माध्यम से मिला था, वो रास्ता हो गया, तो वो रास्ते से जाएंगे और हम राम की तरह कन्हैया को भी मथुरा लाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। कन्हैया जी को विराजमान कराने का बीड़ा आपने उठाया है, लेकिन हमें कुछ खबरें ऐसी भी मिल रही हैं कि अब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक गुरु या साधु संत हैं जो एक्टिव राजनीति में कूदे हैं, देवकी नंदन जी का क्या विचार है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये नैनों की गंभीरता थी या फिर चपलता थी? जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन जी हमसे बातचीत के लिए।